असलम डायलॉग विद हिस्ट्री के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफताब इकबाल मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है इस चैनल के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं आप स्वीडन में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर एमरीटस हैं डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आज आप तशरीफ़ लाए आपकी किताब पाकिस्तान द गैरजन स्टेट अ रिमार्केबल बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड ऑन सब्जेक्ट सबसे पहला सवाल इस अख्तसार uh, के आलम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या में पाकिस्तान के असल महरक़ात आपके ख्याल में क्या थे बरतानिया का जो प्रोग्राम था वो उन्नीस सौ सतहत्तर तक हिंदुस्तान को काबू में रखने का था ठीक और ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और हिटलर की डिफीट तो हो गई लेकिन सल्तनत बरतानिया और फ्रांस की सल्तनत और ये सब वो भी साथ साथ तबाह हो गए और उस जमाने में अमेरिका वॉज द राइजिंग स्टार ऑफ द वेस्ट बेस्ट फ्रेंकलिंग द अमेरिकन प्रेजिडेंट ही वॉज डिटर्मेंड के यहाँ से ब्रिटिश कलोनियलजम ख़त्म हो और इंडिया आज़ाद हो तो उनका प्रेशर वो कहते थे जी सैलरीज तो आपके ऑफिसर्स की हम दे रहे हैं तो आप यू पैकअप एंड लीव इस प्रेशर के तहत अपना बरतानिया को कुछ फैसले करने पड़े तकरीबन 1946 तक बरतानिया का प्रेफरेंस ये थी कि यूनाइटेड इंडिया रहे जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी है वो इंटैक्ट रहे और उनका ख्याल था कि इसको डोमिनियन बनाएंगे ऐसी डोमिनियन जिसकी आर्म फोर्सेस हम जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जैसे कि अमेरिकन प्रेशर और उनकी काबिलियत नहीं रही कॉलोनियलिज्म को कंटिन्यू करने की तो उन्हें मजबूरन फैसला करना कर, पड़ा कि अब क्या किया जाए तो तब जो ब्रिटिश आर्मी के टॉप जनरल्स हैं मसलन टीन मई 1947 को एक मेमोरेंडम तैयार किया गया आर्म फोर्सेस नेवी एंड आर्मी प्लस द हीरो ऑफ़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फील्ड मार्शल मनगुमरी और लॉर्ड इसमे और ये सब इकट्ठे हुए और उस मेमोरेंडम में कहा गया कि अगर पार्टीशन होती है तो ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि मिस्टर जिना इज़ विलिंग टू जॉइन द कामनवेल्थ हमें उनसे डिमांड करना चाहिए कि कराची पोर्ट फैसिलिटीज़ पाकिस्तान एयर बेसिस जो बनेंगी वेस्ट पाकिस्तान की और यहाँ की मैन पावर जो है ये बरतानिया को मिले मैन पावर से मुराद आर्मी इसके अगर बाई कंपैरिजन वो जवाहरलाल नेहरू को ट्रस्ट नहीं थे करते क्योंकि नेहरू वाज लेफ्ट ओरिएंटेड और ज़रा पोर प्रो सोवियत उनकी स्टांस थी तो देन दे डिसाइडेड डिवाइडेड इंडिया इज़ गुड इन देयर इंटरेस्ट और मिस्टर जिना डिमांडेड कि अगर इंडिया डिवाइड होता है और पाकिस्तान बनता है तो वी विल आल्सो हैव द इंडियन आर्मी डिवाइडेड। नहीं सर इसके पीछे जो मैं पूछ रहा खास तौर पर ब्रिटिश राज को हाँ जी ये क्या वो कम्युनिज्म के खिलाफ कोई एक बफर जोन बना थर्टी 1833 से शुरू होती है उनकी ग्रेट गेम बग पेयर ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियल हैज रशिया तब सोवियत यूनियन नहीं था पीटर ये इस तरफ आएंगे टूवर्ड्स द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी और ये पॉलिसी की बात जब 1857 में सारा हिंदुस्तान उन्होंने कब्जे में ले लिया तो नॉर्दर्न कमांड जो है रावल पिंडी का यहाँ से सारी सेंट्रल एशियन पॉलिसी बनती थी जब ये रूसी इनकलाब आ गया तो ना सिर्फ वो रशियन बियर था वो एक इंटरनेशनल कॉम्युनिस्ट थ्रेट भी था तो उसके बाद सोवियत यूनियन को रोकना जो है ना वॉज द पैरामाउंट पॉलिसी ऑफ द ऑफ द ब्रिटिश आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन अमेरिका एंड रशिया वर लेकिन एज सून एज द वॉर वॉज ओवर रूजवेल्ट को चर्चिल ने एडवाइज़ किया कि यू अटैक द सोवियत यूनियन चर्चिल रिफ्यूज उसने कहा दे हैव बीन एलाइज वी विल नॉट डू इट एंड रूजवेल्ट हैड अ गुड आइडिया ऑफ द सोवियत यूनियन क्योंकि ये फोर्टी वन में जब रूस अमेरिका आया है तो देवर पार्टनर विद स्टालिन टू फाइट हिटलर तो ही डेंट द सेम आइडिया अबाउट स्टालिन एंड रूस वेल्ट एंड द सोवियत यूनियन एज चर्चिल एंड द ब्रिटिश ऑलवेज हैड रशिया एज थ्रेट नंबर वन ठीक सो यहाँ पे क्योंकि अमेरिकन प्रेशर आया एंड ब्रिटेन कोड नॉट होल्ड ऑन टू दर पॉलिसी जाते वक्त फिर उन्होंने एक ऐसी स्टेट बनाई जिसको वो कंट्रोल कर सकते थे और अपना आफ्ताब इकबाल साहब आप देखें उनकी दूरअंदेशी के आखिर में पाकिस्तान के ज़रिए ही उन्होंने अफगान जिहाद कराया Absolutely. अगर हिंदुस्तान एक मजबूत ग्रेट पावर होता तो वो करवा सकते थे इनसे कोई वो तो सारा कम्युनिज्म के आगे लेटता चला जाता right. जो क्लास डिफरेंस right. है बटा हुआ है यही तो, तो फिर इसलिए पाकिस्तान का बनना जो है ना बरतानिया के लिए इम्पोर्टेंट था बाद में हिस्टोरिकली वही इस्तेमाल किया फिर अमेरिका ने टू फाइट तो पाकिस्तान की डिमांड हमने की 1940 में प्रॉपर जी आ जी आ जी तो फिर क्या इसके बारे में मतलब हमारे स्टूडेंट्स और हमारे राइटर्स महक्की हमारे सहाफ़ी वो बहुत परेशान हैं स्केप्टिसिज्म का शिकार हैं गोके मैं इस नजरिए पे यकीन रखता हूँ

and now they are laying the red carpet for me and now we will demand our rights as a Muslim nation. tab se ye demand for Pakistan jo hai na from a peripheral demand of a party it became the central demand and the British then played Muslim League against Congress. ये बड़ी उम्दा बात आपने हा, कोटी हाँ और की है। चलते 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 आखरी फैसला ये हुआ कि ये इंदौस्तान को divide ही किया जाए क्योंकि Nehru और Congress के होते हुए वो अपने मकासद पूरे नहीं थे कर सकते एक कमज़ोर मुल्क बनेगा जिसको मदद होगी वेस्ट की और वही हुआ कि पाकिस्तान को शुरू शुरू से अमेरिकन मिलिट्री अलाइंसिस में ख़ुद जा के लॉबी करना पड़ा कि आप हमें अडॉप्ट करें ये आ, मैंने अपनी गैरजन स्टेट किताब में पूरा एविडेंस दिया है जो वह हमारे हस्टोरियन छुपाते आए हैं इन्होंने खुद जा कहा है तो तब जाके इन 1951 द अमेरिकन स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री एड टू पाकिस्तान सो दैट्स द होल स्टोरी बट द प्लान इज ब्रिटिश टू डिवाइड इंडिया टू कीप द सोवियत यूनियन आउट ऑफ साउथ एशिया अगर अच्छे स्टेट्समैन हमें मेयस्टर आ जाते तो अंग्रेज ने तो प्लेट में रख के हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी बेशक। हम फ्रंट लाइन स्टेट का हक अदा करते और अपनी हसीयत मनवाते है। हम चोंके बाय नेचर एक करप्ट से लोग थे ठीक है एपथेटिक से लोग थे ठीक है हमने उस फायदे को वो नेमत जो हमें आजादी की शक्ल में मिली ठीक है फ्रंट लाइन स्टेट की शक्ल में मिली हमने उस नेमत को जहमत बना लिया क्या है। कहते हैं देखें जब अमेरिका के साथ 1954, 59 में हमारे मिलिट्री अलाइंसेज हुए वो हमारे साथ डायरेक्ट है सीटो सेटो के अलावा उसके बाद बार बार हमारे लीडरों ने कह दिया कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ़ दूनाइट स्टेट इन एशिया मगर अमेरिका ये वाकई हमारे हैं देवर डेड इट और उन्होंने शुरू कर दिया कि इन्होंने आर्म्स हमारे से सोवियत यूनियन के साथ लड़ने के लिए नहीं लिए के साथ लड़ने के लिए लिए हैं लेकिन क्योंकि हमने आर्म्स दिए हैं तो जब हमें जरूरत होगी हमको इस्तेमाल कर सकेंगे और अफगान जहाज जब हुआ तो जिया वॉज़ मोर देन विलिंग टू जॉइन इट और आप फाइनली देखें जब नाइन एलेवन हुआ एंड बुश सेज़ आई दर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस और सेवन पॉइंट्स उन्होंने रखे तो इन्होंने साथ के साथ एक्चुअली मान लिए उसमें अगर इनको थोड़ी अकल होती तो जैसे इजिप्ट ने सेवेंटी थ्री वॉर में जब ये हुआ था उसके बाद उसने सारी अपना इजप्शन जो डेट है वो कैंसिल करवा ली आप पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग डेट कैंसिल हाँ जी आप ये यहां से कैंसिल और अगर माननी है उनके बाद माने, भी वहां रही कुछ भी नहीं करवाया साथ साथ तो ये यहां से अंदाजा किया है कि है है। है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने एक दिन अंग्रेज के खिलाफ कोई जेल नहीं काटी ये फ्रीडम स्ट्रगल में कभी इन्होंने अंग्रेजों के साथ टक्कर नहीं ली तो इनकी ट्रेडिशन है पिटीशन दे के अपनी बात मरवाने की कांग्रेस की जो ट्रेडिशन है वो है स्ट्रगल करने की जेलें उन्होंने की सारा कुछ किया आपको एक मुल्क मिल गया जिसके लिए आपने एक घंटे के लिए अंग्रेज की जेल नहीं काटी तो ये आपको रिवार्ड जो है विदाउट स्ट्रिंग्स दिया जा रहा है ये आपको अगर समझना है तो मैं क्या कहूँ